नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद के बचपन एवं फ्लाइंग कलर्स एकेडमी के प्रांगण में भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बचपन प्ले किड्स स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे बाल गोपाल और राधा के वेशभूषा में स्कूल प्रांगण में पहुँचे। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री कृष्ण की आराधना के साथ की गई, श्री कृष्ण की आरती उतारी गई और फिर बाल गोपाल ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। छोटे छोटे बच्चे कृष्ण और राधा के वेशभूषा में काफ़ी आकर्षक और मनमोहक लग रहे थे। इस दौरान विद्यालय प्रांगण में अद्भुत छटा देखने को मिली। बचपन एवं फ्लाइंग कलर्स एकेडमी के निदेशक अरुण प्रवाल ने इस मौके पर कहा कि संस्कार ही सबसे बड़ी धरोहर है और संस्कार की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब हम अपने जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, तो बचपन से ही अगर हम बच्चों को बेहतर संस्कार दें तो वो युवा होकर देश को समृद्धि की ओर ले जाएंगे और समाज में बेहतर उदाहरण स्थापित करेंगे। इस दौरान बच्चों के परिजन भी कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाते नजर आए। संस्था के निदेशक अरुण प्रवाल ने बच्चों के इस आकर्षक तैयारी के लिए उनके परिजनों को भी धन्यवाद दिया। आप भी देखिए छोटे छोटे बाल गोपाल किस तरह से जच रहे हैं और इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां भी आप देखिए। आरती कुंज बिहारी झलकारा, नंद के आनंद नंद लाला, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के। गगन सम कांति काले, भ्रमर सियलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी छलक अतिध्र सी छवि श्यामा प्यारी के। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पे हर साल की भांति जैसा हम हर साल करते हैं कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चे और बच्चियां दोनों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ आज सारे बच्चे कृष्ण के रूप में आप शोभायमान हो रहे हैं और सारी बच्चियां, स्कूल की सारी बच्चियां, नन्हे नन्ही बच्चियां वो राधा के रूप में छटा भी खेल रही हैं। शुरू से हमारी निष्ठा इस बात की ओर रही है कि दैवीय संप्रदाय से युक्त पुरुष में हमेशा भय का अभाव होता है, वो डरता नहीं है और उसके अंदर प्रेम का भाव होता है हर किसी के लिए। और मेरे हिसाब से आज सिर्फ हमारे यहाँ का नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या यही बनती जा रही है कि हम एक दूसरे के लिए अपने अंदर से प्रेम खोते जा रहे हैं। और जब तक दैवीय शक्ति पे हम भरोसा नहीं करेंगे तब तक ये प्रेम हमारे अंदर एक दूसरे के लिए वापस नहीं आएगा, और उसके लिए इस तरह के कार्यक्रम की बहुत ज़रूरत है। चूँकि बच्चे हैं तो बच्चे अगर इतना मेहनत करके आए हैं, इसके ऊपर उनकी मम्मा ने इतना कुछ अपना समय, अपना एनर्जी, अपना क्रिएटिविटी अगर लगाया है और वो खाली हाथ जाएं, ये भी अच्छा नहीं लगता। तो
तो राधा के स्वरूप में जो तीन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और वहीं कृष्ण के रूप में भी तीन बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिसमें उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जाएगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कृष्ण को जानना पड़ेगा, चाहे वो राजनीति की बात कर लीजिए, प्रेम की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, तो आपको कृष्ण के जीवन को पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उसके बिना सब कुछ अधूरा है।